हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं मेजरिंग टेप से आपको चेक करके बताऊंगा कि हम गाड़ी का अलाइनमेंट कैसे चेक कर सकते हैं जो व्हील अलाइनमेंट है उसको चेक करने के लिए हमको जाना पड़ता है गैराज पे और चेक करवाना पड़ता है कि अलाइनमेंट हमारा सही है नहीं है कभी कभी हमको डाउट भी होता है तो उस डाउट को भी क्लियर कर लेंगे साथ ही इस मेजरिंग टेप से मैं इस अलाइनमेंट को चेक करके आपको बताऊँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले करना है क्या है कि आपको अपना स्टेयरिंग बिल्कुल सीधा कर लेना है थोड़ा बहुत इसको हिला लीजिए स्टेयरिंग को ताकि व्हील्स वगैरह बिल्कुल स्टेट लेवल पे आ जाए और स्टेयरिंग जब बिल्कुल सीधा होगा और इसके बाद अब हम चलेंगे गाड़ी के नीचे अब ये देखिए ये व्हील है हमारा इस व्हील को हमको स्टेट अलाइनमेंट करना होता है मकसद क्या है मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ पैरलर करना होता है अब पैरलर करने के लिए देखिए मैंने एक सेंटर मार्क चुना है टायर का इसमें से फर्स्ट रो छोड़ के सेकेंड रो ये सेकेंड रो पर मैंने इसको लगाया है मेजरिंग टेप का एक पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को लेके जाऊंगा मैं दूसरी साइड उस व्हील पे उस व्हील पे जब मैं ले जाऊंगा तो वहां पे भी वही पॉइंट चुनूंगा मैं बाहर से सेकेंड रो सेकेंड रो मैंने एक लगभग सेंटर लिया था आप अपने गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से देख सकते हैं या तो उसकी मार्किंग भी कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ से सेकेंड रो मैंने लिया 141, 142, 143 ये 143 फोर्टी थ्री सेंटीमीटर्स यहाँ तक का मेजरमेंट मैंने लिया और ये बिल्कुल एक्यूरेट लेना है आपको एम mm एम से तो ये देखिए मैंने वन फोटी थ्री लिया यहाँ का अब ठीक इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ मेजरमेंट लिया ठीक इसी तरह से हम पीछे की तरफ से लेंगे यानी कि मैंने आपको जैसा बताया पैरलर होना चाहिए तो इस तरफ से भी नापेंगे और इस तरफ से भी नाप लेंगे हम तो इसको भी ले जाके मैं लगाऊंगा सीधे उस पॉइंट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है देखिए अकेले काम करना उधर से पकड़ना फिर कैमरे में लेके आना शूट करना तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को ये देखिए ये मैंने उधर गया और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा कि रो मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये मेरा मेजरिंग टेप वहाँ पे आराम से अटक सकता है अदरवाइज मैं यहाँ पे एक मार्किंग बना सकता था और दो लोग अगर हैं तो मार्किंग बना के हम किसी धागे का भी यूज़ कर सकते हैं धागा जैसा कि स्ट्रेच ना होता हो वो धागा यूज़ कर सकते हैं मैंने मेजरिंग टेप लिया और मैंने ये देखिए वहाँ लगाया इस साइड से और इस तरफ की हमको एक रीडिंग लेनी है कि अब इस तरफ कितनी रीडिंग आती है अगर इस तरफ रीडिंग भी सेम आती है तो ये ठीक है तो ये देखिए जैसे आगे हम वन फोटी वन टू थ्री वन फोर्टी थ्री वहाँ भी था वन फोर्टी थ्री यहाँ भी है और ये ठीक सेकेंड रो पे इट मीन्स कि इस गाड़ी का अलाइनमेंट बिल्कुल सही है और अगर ये थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता तो इसका अलाइनमेंट हमारा आउट होता और उस अलाइनमेंट को सही कैसे करना होगा तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डी हम कैसे कर सकते हैं खुद से अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट और बिल्कुल जीरो जीरो अलाइनमेंट होगा कंप्यूटर जैसा तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये हमारा चेक हो गया अलाइनमेंट बिल्कुल सही है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन है कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए जल्दी एक नए चैनल पे मिलने वाला हूँ मैं आपसे जिसमें कि मैं सेकंड हैंड गाड़ी को बाय करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं इसको चेक करने के लिए वो सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग